गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडल्स को द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द रेपिड कंबस्जन रिएक्शंस। बेटा कल हमने पढ़ा था स्लो कंबस्जन, आज पढ़ेंगे रेपिड स्पॉन्टेनियस एंड फर्दर आगे टॉपिक्स। ठीक है, रेपिड कंबस्जन क्या होता है? बर्न कंबस्जन मटेरियल बर्न क्विकली, मतलब रेपिड टर्म का मतलब होता है जब काफ़ी स्पीड से जो कंबस्जन मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल को हमने जलाना हो वो जल जाए। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेपिड कंबस्जन। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या है कि अगर आप एक पेपर का पीस को, ठीक है बेटा, पेपर के पीस को आप क्या करते हो, डिप करते हो किरोसिन में हो या बैक्स में, ठीक है बेटा, और फिर उसमें आग लगाते हो, आप देखना कितनी स्पीड से वो जलेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो क्या है, रेपिड कंबस्जन का एग्जाम्पल है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रेपिड कंबस्जन, इवन द बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक, आपके घर में जो एलपीजी गैसेज जलते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसी की हेल्प से आपकी मदर किचन में काम करती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रेपिड कंबस्जन, इट्स बर्न इनटू फ्लेम एज सून लाइटर मैचस्टिक और लाइटर टेक इट नियर, मतलब कि जैसे ही आप उसके नियर लाइटर या मैचस्टिक लेके जाओगे गैस जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्जन, देयर आर सम कंबस्जन सब्सटेंस दैट कैच फायर ऑन देयर ओन। ठीक है बेटा, मतलब कुछ ऐसे भी कंबस्जन होते हैं जो अपने आप आग पकड़ लेते हैं, वेन दे आर एक्सपोज टू एयर, मतलब क्या है कि जैसे ही उसे आप एयर के प्रेजेंस में बाहर निकालोगे वो आग पकड़ लेगा। इसका सबसे इजी एग्जांपल है बेटा सोडियम मेटल को हमने क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। आप जैसे ही उसे बाहर लेके आओगे और कहीं गलती से उस पर एक ड्रॉप वाटर का गिर गया, उसने आग पकड़ लेना है। ठीक है बेटा, इस फिनोमेना कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्जन। एग्जाम्पल के लिए सोडियम को कहाँ रखते हैं, किरोसिन में। जैसे ही आप किरोसिन से बाहर निकालोगे एयर में रखोगे थोड़ी देर में वो आग पकड़ लेगा, थोड़ी देर क्या निकालने के साथ ही कुछ सेकंडों में आग पकड़ लेगा। अदर एग्जांपल ऑफ सब सब्सटेंस आर वाइट फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया। वाइट फॉस्फोरस को क्या करते हैं, हम स्टोर इन वाटर, इसको वाइट फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द एक्सपोजर द ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है बेटा, क्यों, ताकि वो जो हमारे ऑक्सीजन है एयर में उससे एक्सपोज ना हो जाए। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कंबस्जन ड्यूरिंग दिवाली व्हेन द पीपल ब्रश द क्रैकर, फायर क्रैकर आर मेड द केमिकल दैट आर हाईली कंबस्जन। फायर क्रैकर देखो हाईली कंबस्जन इन नेचर होता है, दस व्हेन दे बर्न, जब भी ये जलता है क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, दे रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी। याद रखना, जब भी ये जलता है एक्सपोर्ट होता है और काफी सारी एनर्जी रिलीज करता है, किसके फॉर्म में, हीट के, लाइट के और साउंड के फॉर्म में। बैन ए कंबस्जन सब्सटेंस बर्न वेरी रैपिडली, जब भी कंबस्जन सब्सटेंस काफी स्पीड से जलता है विद द एवोल्यूशन ऑफ टर्मिनस अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और साउंड, ऐसे चीजों को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है बेटा, दो थ्रू वी कैन नॉट सी रस्टिंग ऑफ आयरन, हम रस्टिंग ऑफ आयरन को नहीं देख सकते, कंबस्जन इज नोटिसेबल इवेंट। रस्टिंग ऑफ आयरन तो चलो आप नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बट कंबस्जन को आप नोटिस कर सकते हो क्योंकि वो काफ़ी जल्दी होता है। ठीक है, इवन मोर ड्रामेटिक इज कंबस्जन टेक प्लेस एट ए रेट ऑफ रैपिड दैट इज रिजल्ट इन द एक्सप्लोजन। ठीक है बेटा, मतलब जितना तेजी से कंबस्जन होगा उतना ही पावरफुल एक्सप्लोजन होगा, ये भी याद रखना, क्लियर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है बेटा कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्जन। ये तो आपने पढ़ लिया कंबस्जन होना चाहिए, पर कंबस्जन के लिए कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्जन। सबसे पहले क्या है कि ऑल द सब्सटेंस दैट कैच फायर, याद रखना बच्चों, वही सब्सटेंस में आग पकड़ेगा या कैच फायर करेगा जो कंबस्जिबल हो सकता है। जैसे कि आप स्टोन या मेटल या ग्लास रख दो, उसमें आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ऑल द सब्सटेंस दैट कैन कैच फायर इजिली, उसे बोलते हैं कंबस्जिबल सब्सटेंस, क्लोथ, पेपर, वुड, फ्यूल एक्सेट्रा, वो इसके एग्जांपल्स हैं। ए कंबस्जिबल सब्सटेंस ओनली बर्न बट नॉट, एक कंबस्जिबल सब्सटेंस जो होता है बेटा, एक चीज याद रखना, अगर आप ऐसे कहते हो कि कंबस्जिबल सब्सटेंस को जलने के लिए सिर्फ आग चाहिए तो गलत है। ठीक है बेटा, किसी भी कंबस्जिबल सब्सटेंस को जलने के लिए एयर का सपोर्ट भी चाहिए, विदाउट एयर कोई भी सब्सटेंस नहीं जलेगा। मैंने आपको एक कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट बोला था ना, करके देख लेना आप, आपको पता लग जाएगा। ठीक, कंबस्जिबल सब्सटेंस ओनली बर्न बट नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज ए कंबस्जिबल सब्सटेंस बट
डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। बेटा मैंने एक एक्सपेरिमेंट बोला था आपको करने के लिए उन स्टूडेंट्स को जो कर सकते हैं, तो मुझे अभी तक किसी भी सिंगल स्टूडेंट का भी रिप्लाई नहीं आया है। वो प्रीवियस चैप्टर में जो बोला था मैंने, साउंड के जो पहले चैप्टर हमने किया था उस चैप्टर में, तो बेटा एक भी स्टूडेंट का मुझे अभी तक कोई मैसेज, कोई वीडियो या कोई क्वेरी कुछ नहीं आया अभी तक। क्या बेटा आप में से किसी ने उसके रिगार्डिंग काम नहीं किया है? नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर द कंबस्टन टू टेक प्लेस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मस्ट, ठीक है, सिंस द ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए, इसके इसलिए हम कहेंगे सपोर्टर। ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर होता है, ठीक है, किसी सब्सटेंस के जलने के लिए। जैसे कि आप देखो फ्यूल है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तभी वो जल के हीट में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अगर ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट है, यानी कि पूरी तरह नहीं ऑक्सीजन सप्लाई है, देन क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, मतलब पूरी तरह चीज़ नहीं जलेगा, ठीक है, और वो किस में बदल जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड में, किसमें बदल जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड में, ठीक है। जैसे फ्यूल है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, वो मोनो ऑक्साइड में बदल जाएगा, याद रखना ये हार्मफुल होता है हमारे लिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, बट मोनो ऑक्साइड के काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर मोनो ऑक्साइड आप कुछ मिनट तक लेते रहो तो आप कोमा में जा सकते हो, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट स्लीप इन क्लोज रूम वेयर द कोल इज फायर बर्निंग, बिकॉज अब देखो ये भी आपने सुना होगा कि कभी भी कोयला चलाकर रूम में रख के नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या होता है, कोल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना शुरू हो जाता है। क्यों, कोल जब तब तक जलता है ठीक है, क्योंकि बाद में कोल क्या होता है कि पूरी तरह से नहीं जल पाता तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करता है। अगर रूम में आप सो जाओगे बंद करके तो हो सकता है पहले बेहोश हो जाओ फिर कोमा में चल जाओ, ठीक है। इट एंटर टू अवर बॉडी एंड कॉज द लंग प्रॉब्लम। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर और कैंडलिंग टेम्परेचर, यानी कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, मतलब कि द मिनिमम टेम्परेचर, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम टेम्परेचर किसके लिए, कंबस्टन के लिए, किसी सब्सटेंस के लिए, ताकि वो आग पकड़ ले। वो मिनिमम टेम्परेचर जिससे कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। बेटा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। डैट दे कैच फायर इवन एट ए रूम टेम्परेचर, इवन एट ए रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल के लिए सोडियम एंड वाइट फॉस्फोरस है, यू कैन से एक्सप्लेन हाउ वाटर और किरोसिन क्या होता है, हेल्पफुल होता है हमारे प्रिवेंटिंग सोडियम और पोटेशियम को फ्रॉम कैचिंग फायर, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि किरोसिन ऑयल की, ठीक है बेटा, अगर मैं किरोसिन की बात करूं तो आपने ये चीज़ तो सुना ही होगा कि किरोसिन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, किरोसिन में हम सोडियम डालते हैं। क्यों, सोडियम अगर वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो आग पकड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टन सब्सटेंस हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर, कुछ सब्सटेंस के हाई इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता, मतलब उसको जलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस इसका एग्जाम्पल है, उसको 260 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है, इसलिए आप उसे सीधे बोतल में ही रख सकते हो, क्योंकि नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो हमें आसपास मिलता ही नहीं है, ठीक है। You will also notice that the substance stop burning after a while. आपने ये भी दिखा होगा कुछ सब्सटेंस कुछ देर जलने के बाद रुक जाते हैं, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ फॉलन बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। अगर कभी भी टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए तो सब्सटेंस जलते जलते रुक जाएगा। Let us surprise everyone in the class by the activity. Next करना है बेटा फायर कंट्रोल, ठीक है। टू इनिशिएट एंड मेंटेन द फायर देर आर थ्री इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है कि हमने क्या करना, फायर कंट्रोल, अगर मान लो आग लग जाए आपके आसपास तो आप क्या करोगे, एयर, सबसे पहले क्या करोगे, एयर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ए सपोर्टर ऑफ ए कंबस्टन, ठीक है। अब सबसे पहले देखो फायर कंट्रोल, आपको तीन चीज पता है कि आग को जलने के लिए क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए, ठीक है। मतलब कि हीट मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर तक रहने के लिए, और इग्निशन टेम्परेचर कम जाएगा फायर बुझ जाएगा, फ्यूल नहीं मिलेगा फायर बुझ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फायर बुझ, इसका मतलब क्या है कि तीनों में से अगर एक भी चीज़ कट कर दिया जाए तो फायर बुझ जाएगा। द एक्ट ऑफ एक्सटेंसिबल द फायर और रिड्यूसिंग द एरिया ओवर विच फायर एग्जिस्ट इज कॉल्ड फायर कंट्रोल। मतलब क्या है कि जिस एरिया में, इन नॉर्मल लाइफ में आप ऐसे कह सकते हो कि
नॉर्मल लैंग्वेज में आप ऐसे कह सकते हो कि इट कैन बी अचीव बाय द वाटर विच रिमूव द हीट और रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट। मतलब क्या है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ, सिस्टम नहीं कह सकते हो, एक आप एक ऐसा तरीका अपनाओगे जिससे एयर, फ्यूल या हीट तीनों में से कोई एक चीज़ को आप अलग कर सको उस आग में से। ठीक है, तो सबसे बेटर वे क्या है कि आप उस पर क्या डालो, वाटर डाल दो, वाटर डाल दो। ठीक है बेटा, आग भी कई तरह की होती है, कहीं में वाटर डलता है, कहीं में नहीं डलता। ठीक है, बिजली का आग कभी भी लगे कहीं पे भी तो उसमें वाटर नहीं डालना, पेट्रोल डीजल का आग लगे तो उसमें वाटर नहीं डालना। ठीक है, लकड़ियों में, प्लास्टिकों में या घरों में आग लगे तब वाटर डाल सकते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप वाटर डालोगे तो हीट कम होगा, इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, तो आग खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही ऊपर बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बेस्ट होता है, मतलब कि आग बुझाने वाली मशीन जो होती है बेटा, एक तो ऊपर क्या बोल रहे हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं एरिया को। सबसे पहले क्या करो, जहां आग लगा है ठीक है उसके आसपास के एरिया को बिल्कुल साफ कर दो, ताकि साफ करने से क्या होगा कि आग नहीं फैलेगा। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी जो फायर वाली मशीन आती है ना, आपने देखा होगा रेड रेड कलर की जो हमारे स्कूल में भी लगी हुई है, तो आपने वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे ही आग पे आप उसे छिड़कते हो वो क्या करता है कि उसमें से ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा चीज होता है जो ऑक्सीजन का दुश्मन होता है। ठीक है, आप अगर उसे आग में डालते हो तो वो ऑक्सीजन से कनेक्शन उसका कट कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, आग होली होली चलने बंद हो जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, ये एक बेटा एक पोर्टेबल डिवाइस होता है ठीक है बेटा, ये क्या होता है, एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है प्रेशर के साथ, जैसे हमारे घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है। जब भी आप इसका नॉब ओपन करते हो, ठीक है, जब भी आप इसका नॉब ओपन करते हो तो क्या होता है, काफ़ी स्पीड से, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू होता है। और वो कहाँ जाके निकलना शुरू होता है, सीधे ही आग पे जाके हम मतलब इसका नोब ओपन किया और आग की तरफ कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो रहा है। वो क्या करेगा, उस आग में से सारे ऑक्सीजन को अपने अब सारे ऑक्सीजन को साइड कर देगा और चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फैला देगा। ठीक है, और याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग का दुश्मन होता है और ऑक्सीजन आग का दोस्त होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को हटा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे फैला देता है, जिससे क्या होता है, होली 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 क्या होता है, आग बुझ जाता है। ठीक है, और याद रखना, जब भी आप इसे खोलते हो, ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, काफी हाई रेट से, काफी स्पीड से क्या निकलता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है उसके साथ, वो रिएक्ट करता है उसके साथ और केमिकल रिएक्शन टाइप करता है। जैसे कि बेटा ये केमिकल रिएक्शन करना है तो आप लर्न कर लेना एज इट इज। ठीक है, हेयर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम द ब्लैंकेट अराउंड द फायर। ये मतलब क्या करता है, मान लो ये फायर है तो फायर के अराउंड क्या करता है, एक तरह का ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, मतलब आग को इसके आगे फैलने देता है, यहीं पर रोक के खत्म कर देता है। ठीक है, टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है उसका, जिससे वो और तेजी से जल नहीं पाता और वो होली होली खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे, आज हमने इतना ही करना है।